मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीतू सिंह, मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी। आज हम साइंस में सबसे पहले सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान जो हमारी जनरल साइंस होती है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको पाठ्यक्रम जानेंगे। पाठ्यक्रम इन द सेंस सिलेबस। सिलेबस जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस लिखेंगे, उसके बाद में हम हमारी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इकाई है, हमारी इकाई फर्स्ट है, उसका नाम है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट इकाई सामान्य विज्ञान में, वो है सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। इस टॉपिक को भी हमने कई बिंदुओं में बांट रखा है कि हमें कौन सा बिंदु है जो पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, एवं चरण। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पर चरण। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य विज्ञान में बहुत से जो सिद्धांत है वो निर्धारित किए गए हैं, उसके हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। और इसको जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से निर्धारित किया गया है, उसके लिए क्या क्या चरण है, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारा आता है दूसरा पॉइंट, वो है सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम की, सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवृत्ति। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट इकाई है सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उसकी जो हमारा सेकंड बिंदु है वो है सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवृत्तियां। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो है RBSC, CBSE द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट इकाई है उसका तीसरा पॉइंट है RBSE CBSE द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम वो पढ़ेंगे, जैसे RBSE और CBSE द्वारा जो उच्च माध्यमिक स्तर पर जो सामान्य विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो कमियाँ हैं, उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। इसी का हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है अच्छी सामान्य विज्ञान पाठ्य पुस्तकों मानदंड। इसका मतलब है जैसे अच्छी सामान्य विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का मानदंड, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो
सामान्य विज्ञान की बुक्स है उनका जो मानदंड है या मूल्यांकन है वो किस तरीके से होता है, तो मैं आपको एक बार और दोबारा रिपीट करा देती हूँ। हमारी जो फर्स्ट इकाई है सामान्य विज्ञान की, उसका नाम है सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। उसके अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। पहला है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत एवं चरण। उसमें हम उसके जो पाठ्यक्रम को जो बनाया जाता है उसमें किन किन सिद्धांतों का उपयोग किया गया है, किन किन चरणों में उसे विभक्त किया गया है वो पढ़ेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवृत्तियाँ, इसकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका तीसरा पॉइंट है RBSC CBSE द्वारा निर्धारित उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक विश्लेषण, और इसका चौथा पॉइंट है अच्छी सामान्य विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के मानदंड। अब इसका एक और पॉइंट है वो इस तरीके से है, इसका जो पांचवा पॉइंट है वो है RBSE CBSE द्वारा निर्धारित सामान्य विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का निरीक्षण या इसको बोल सकते हैं समीक्षा। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट इकाई है उसका पांचवा बिंदु है RBSE CBSE द्वारा निर्धारित सामान्य विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का पूर्ण निरीक्षण या समीक्षा। ठीक है, तो फर्स्ट इकाई जो हमारी इन पांच बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है जो मैंने आपको लिखवा दिए। अब हम आते हैं हमारी सेकंड इकाई पर। हमारी सेकंड इकाई जिसका नाम है सामान्य विज्ञान में अधिगम संसाधन। ठीक है, देखिए हमारी जो सेकंड इकाई है उसका नाम है सामान्य विज्ञान में अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन का मतलब है कि वो संसाधन जिनके उपयोग से हम इस सामान्य विज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी को जुटा सकें। तो इसे भी कई टॉपिकों में, इसे भी कई बिंदुओं में बांटा गया है। जैसे पहला है पाठ्य पुस्तक, फिर आता है समुदाय, समुदाय संसाधन, फिर आता है विज्ञान क्लब, फिर आता है विज्ञान क्लब का संगठन, फिर आता है संगठन है और उसका जो महत्व है वो आता है विज्ञान मेला, फिर आता है विज्ञान प्रदर्शनी, फिर आता है क्षेत्रीय यात्राएं, और
इकाई है सामान्य विज्ञान की, उसमें है सामान्य विज्ञान में अधिगम संसाधन, उसके अंतर्गत आता है पाठ्य पुस्तक। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास पुस्तकें होती है, पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, कई सीरीजें होती हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगी समुदाय संसाधन। समुदाय संसाधन से अर्थ होता है जैसे कि हम जो इकट्ठे होकर के या फिर किसी जगह पर एक दूसरे से बातचीत करके संप्रेषण करके समुदाय द्वारा भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकता है। विज्ञान क्लब का संगठन है, उसके महत्व है, विज्ञान मेला है, विज्ञान प्रदर्शनी है, क्षेत्रीय यात्राएं, विज्ञान प्रसोत्सवी है, ये सभी हमारे अधिगम के संसाधन हैं। फिर इसी में सेकेंड टॉपिक आता, सेकेंड बिंदु आता है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम संसाधन के अंतर्गत हमारे आ जाता है चार्ट, मॉडल, नमूना, बुलेटिन बोर्ड, फिर आता है प्लैनर बोर्ड, फिर आता है स्लाइड प्रोजेक्टर, फिर आता है जैसे OHP, LCD, फिर आता है पारदर्शी, प्लास्टिक, खंड, फिर आता है स्लाइड, कंप्यूटर, स्लाइड प्रोजेक्टर है, OHP है, LCD है, पारदर्शी प्लास्टिक खंड है, स्लाइड है, कंप्यूटर और इंटरनेट, इनकी सहायता से भी हम है जो सामान्य विज्ञान के बारे में और उसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अधिगम संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, इसका जो सबसे अंतिम बिंदु है सेकेंड इकाई का जो अंतिम बिंदु है वो है सामान्य विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोगशाला का प्रबंध एवं संगठन, प्रयोगशाला सुरक्षा उपाय और साधन। ठीक है, हमारा इसका तीसरा पॉइंट है सामान्य विज्ञान प्रयोगशाला का प्रबंध एवं संगठन, प्रयोगशाला में सुरक्षा और सुरक्षा उपाय और सावधानी। जैसे कि हम जानते हैं कि सामान्य विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोगशाला का प्रबंध और उसका संगठन कैसा होना चाहिए, प्रयोगशाला में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उसका महत्व क्या होता है, हम उसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो इस तरीके से है सामान्य विज्ञान में प्रयोगात्मक
चौथा पॉइंट है सामान्य विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्यों का संचालन। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य विज्ञान एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम बहुत से प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसी के लिए हम प्रयोगशाला का भी निर्माण करते हैं। तो जिस जैसे कहा जाता है कि बच्चा करके अधिक सीखता है, उसी तरीके से हम सामान्य विज्ञान में जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, उन कार्यों का संचालन करने के बारे में भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट यूनिट है, सबसे लास्ट अंतिम यूनिट है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो हमारी थर्ड इकाई है वो है सामान्य विज्ञान विकास। जो हमारी तीसरी इकाई है उसका नाम है सामान्य विज्ञान शिक्षक का व्यवसायिक विकास, यानी कि जो शिक्षक होता है सामान्य विज्ञान का, उसके अंतर्गत उसके व्यवसाय के विकास के लिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको भी पॉइंटों में बांटा गया है। इसका पहला पॉइंट है सामान्य विज्ञान शिक्षक के गुण, फिर है दायित्व, एवं व्यावसायिक नैतिकता। आपका टॉपिक देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान शिक्षक के गुण, दायित्व, व्यवसायिक नैतिकता। जैसे कि टॉपिक से पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत हम जो सामान्य विज्ञान का शिक्षक है उसके अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए, उस शिक्षक के क्या क्या दायित्व है, और उसकी जो व्यवसायिक नैतिकता होगी इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसी का सेकेंड और लास्ट पॉइंट है सामान्य विज्ञान शिक्षक के लिए व्यावसायिक विकास विकास कार्यक्रम कार्यक्रम सम्मेलन और सेमिनार। सेमिनार में सहभागिता, फिर आता है ऑनलाइन शेयरिंग फिर आता है व्यावसायिक संगठन, की गतिविधियां, की गतिविधियों में सदस्यता, फिर आता है
परिचर्चा में भाग लेना। सामान्य विज्ञान शिक्षक के लिए व्यवसायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि जो उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनके विकास के लिए, वो सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम, सम्मेलन और सेमिनार में सहभागिता, ऑनलाइन शेयरिंग, व्यवसायिक संगठन की गतिविधियों में सदस्यता और सहभागिता, और साथ में आता है गृह परिचर्चा में भाग लेना। यानी कि जो हमारी तीसरी इकाई है उसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जो हमारी तीसरी इकाई है उसका नाम है सामान्य विज्ञान शिक्षक का व्यवसायिक विकास, जिसका हमारा पहला पॉइंट है सामान्य विज्ञान शिक्षक के गुण, दायित्व और व्यवसायिक नैतिकता। ठीक है, इसके अंतर्गत हम उसके जो शिक्षक है उनके गुणों के बारे में, उनके दायित्व और व्यवसायिक नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसी का हमारा सेकंड टॉपिक है सामान्य विज्ञान शिक्षक के लिए व्यवसायिक विकास कार्यक्रम, सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम, सम्मेलन और सेमिनार में सहभागिता, ऑनलाइन शेयरिंग, व्यवसायिक संगठन की गतिविधियों में सदस्यता और सहभागिता, साथ में गृह परिचर्चा में भाग लेना। हमारी जो इस साल सेकेंड ईयर है उसके अंतर्गत हमारे सामान्य विज्ञान में केवल 3 ही यूनिट है, और इन 3 यूनिटों का सिलेबस मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो हम इन 3 यूनिटों को ही पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत जो भी बिंदु आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,